एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, आपको बता दें रेवाड़ी से आ रही है बड़ी खबर। मामली का सुनी के बाद छात्र गुटों में झगड़ा हुआ है, रेवाड़ी का यह मामला सामने आया है। बीए फाइनल ईयर के छात्र पर चाकुओं से हमला किया गया, फिलहाल ये कासूनी बताया जा रहा हुई थी और घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती करवा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेवाड़ी से, जहां पर कॉलेज से घर लौट रहा था छात्र, जिस दौरान उस पर ये जानलेवा हमला किया गया। रेवाड़ी से बड़ी खबर, हमलावर छात्र वारदात के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। रेवाड़ी से बड़ी खबर, मॉडल टाउन थाना पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है, तफ्तीश शुरू कर दी है। रेवाड़ी से मामला, मामूली का सुनी बताई जा रही है, छात्र गुटों में झगड़ा। सुरेंद्र गौर संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, आरोपी जो छात्र है जिसने हमला किया उसके बारे में कोई सूचना पुलिस के हाथ लग पाई है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी के प्रतिष्ठित कॉलेज सीएलपी कॉलेज का मामला है। यहाँ बीए फाइनल ईयर में पढ़ने वाला एक छात्र को और के साथ सहपाठी के साथ उसकी कोई किसी बात को लेकर कहास होने हुई थी। अरे मामला इतना बढ़ गया कि जैसे ही कॉलेज के बाहर जब ये छात्र अपने घर जा रहा था तो पीछे से तीन चार युवक आए और उनमें से एक ने इसके ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिससे लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। साथ ही जो था उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। घायल युवक के बयान पर कॉलेज के ही तीन छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये एक जो है दो छात्रों कुटों में ये झगड़ा था। जी कब का मामला ये बताया जा रहा है, कब से सब चला आ रहा था? जी अगर बात करें तो ये बीते दिन जो है इनके साथ कहा सुनी हुई थी और आज जो है ये जैसे ही कॉलेज से दर्शी और जा रहा था तो तभी इसके ऊपर हमला किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहा सुनी के चलते दो छात्र गुटों में ये हंगामा और हमला, घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में छात्रों को भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज से घर लौट रहा था और जिस दौरान कुछ छात्र गुटों ने उस पर हमला कर दिया, तीन के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने कर दिया, तफ्तीश यहाँ पर शुरू कर दी है। हमलावर छात्र वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।